आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आम का अचार, वो भी इंस्टेंट, लेकिन अपने स्टाइल में, जो हम बनारसी लोग अपने घर पे बनाते हैं। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। जिस तरीके से मेरी मम्मी अचार बनाती हैं आम का, उसी तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आम का अचार डालते हुए, पर उनके मसाले थोड़े से अलग होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बनारस के लोग आम का अचार कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है आम, और आम जो है देसी ही लेना है। जो आम हम पका के खाते हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देसी आम का इस्तेमाल करेंगे। और इंस्टेंट आम का अचार बना रहे हैं, तो इसलिए आम को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे काट के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आम को अच्छे से धुल लेना है, सुखा लेना है, और उसके बाद ही उसे काटना है। फिर उसके बाद जो है हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक स्टेप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आम को बोल में डालने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल के भी हमें इसको मिला लेना है, और आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है आम के अंदर वो सब निकल जाए। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम मसालों की तैयारी करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हमें लेना है 1.5 चम्मच पंचफोरन। अगर आपको मार्केट में पंचफोरन ना मिले, तो आप मेथी, सौंफ और काली सरसों को अलग अलग लेकर के भी उसको रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है लगभग 3 चम्मच साबुत धनिया। मतलब हमने 1.5 चम्मच पंचफोरन लिया है, तो 3 चम्मच हमें साबुत धनिया लेना है। तो आधा किलो आम का अचार डाल रही हूँ मैं, तो उसके लिए इतना मसाला काफ़ी है। तो अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, एक स्मेल आने तक इसे हमें भुनना है, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए और वो कच्चे ना रहे। तो यहाँ पे मसाले जो है हमने भुन लिए हैं, और अभी हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और दरदरा इसको हमें पीस लेना है। तो ये देखिए, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही पीसना है, जैसे मैंने यहाँ पे पीसा है इसको। इसी तरीके से हम मसाले को तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हम चेक कर लेंगे आम को। तो आम ने यहाँ पे जितना भी आम के अंदर पानी था उसको रिलीज़ कर दिया है। तो अभी हम इसको अच्छे से छान लेंगे। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर में आम डाल करके हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो फ्रेंड, ये आम की बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इंस्टेंट इस आम को अचार को बना सकते हैं, और इसको 2 महीने तक आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है अच्छे से पानी को छान लिया है, और आम को बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था, वो मसाला हमें डालना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये हल्का स्पाइसी मिर्ची है, तो अगर आपको आम का अचार थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो आप 2 चम्मच डाल दीजिए, वरना आप 1 चम्मच डालिए। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। और उसके बाद हम रखेंगे पैन को गर्म होने के लिए, और उसमें डालेंगे तेल। तो आम के अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, तभी आम का अचार जो है काफ़ी दिनों तक चलता है। तो यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है तेल, लगभग 100 ml के आसपास मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तो हमने तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, तो उसमें डाल देंगे हींग। हींग देखिए, गर्म तेल में हमने डाला है। अब थोड़ा सा इसको हमें तड़कने देना है, और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, तो हम इसको अचार में डाल देंगे, और हमें इसे अच्छे से अब मिला लेना है। तो फ्रेंड, देखा ना कितनी आसान सी आम की रेसिपी है, और आप इसे बहुत ही आसानी से 2 महीने तक खा सकते हैं। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लेकिन हाँ, आप गीले हाथों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, या गीले चम्मच का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे हमने अचार को अच्छे से मिला लिया है इस तरीके से, और अभी हम इसको स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। तो स्टोर करने के लिए देखिए, हमें लेना है कांच की बॉटल, उसके अंदर तली में थोड़ा सा हमें सरसों का तेल डालना है, उसके बाद हम अचार इसमें डाल देंगे।
और इसको देखिए इस तरीके से हमें अचार डाल के ऊपर से हमें तेल डाल देना है, तेल पूरा अच्छे से भर देना है ताकि आम भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कुछ दिनों में और खाने में भी टेस्टी लगे और ये ख़राब भी ना हो। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बॉटल को भर दिया है तेल से। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये इंस्टेंट आम के अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। थैंक यू।